अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम हो गया शहजाद ट्रैवल्स ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, हम लोग भी सब अच्छे हैं। और सुबह हम सब उठ गए हैं। यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग सब, क्योंकि 5 बजे आँख खुल ही जाती है किसी भी हालत में। और सुबह का यहाँ का क्लाइमेट कितना मस्त है, कितना अच्छा लग रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ठंडी भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। हाँ, जैकेट पहना हूँ फिर भी ठंडी लग रही है। तो यहाँ सुबह का क्लाइमेट दिखा रहे हैं आपको, हम बाहर का दिखा रहे हैं। देखिए गाइस कितना मस्त, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए गाइस, पूरा कोहरा, मतलब शबनम बोलते ना कोहरा, हल्का सा सूरज निकला हुआ है थोड़ा सा अभी तक, और चारों तरफ खाली धुआं धुआं दिख रहा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है सब पूरा। बहुत मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है एकदम। ठंडी तो बहुत ज़बरदस्त चालू हो चुकी है, अभी स्टार्ट हो गई एकदम। तो ये गाइस सुहान चला रहा है अपने दादा की गाड़ी, ये देखो सुहान चला रहा है, अपने दादा की गाड़ी चला रहा है सुहान आज। बोला अब्बा मैं चलाऊंगा, बोला लिट्टी के लिए चला, देखो चला रहा है, अकेले चला रहा है वो। मजा आ रहा है छोटी सी बिक्की होती है ना, बिक्की है वो। अभी आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी चला रहा है वो। सुहान को गाड़ी चलाने आता है यार, ये तो अकेले चला रहा है, ज्यादा फास्ट नहीं। हाँ सिलो 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 सिलो, ज्यादा फास्ट नहीं, सिलो नीचे। सुहान गाड़ी चला रहा है बस रुक रुक जा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लाई देने, जिसकी प्लाई लेकर आए थे दरवाजे पे रखने के लिए, उसकी प्लाई देने जा रहे हैं। दरवाजे पे नहीं, नाले पे ना, गटर में। अरे मुसद्दी क्या कर रहा है यार। अरे जाजा इतनी सी प्लाई है, छूट गई हाथ से। सबसे भारी मैं लिया हूं। हां सबसे वजन इनके पास भाई। सबसे वजन लल्ला लिया है। हां हमसे इतना बड़ा नहीं, नहीं लल्ला का नहीं। सद्दी देखो भैंस गाय से क्या कर रहा है, मारेगा ना सिंह तेरे को, फोटो खींचा रहा है। तो पकड़ के सींग ही मारेगी तेरे को। आप नहीं मारेगी, आप पकड़ ले उसको। अरे भैया उठा के फेंक देगी जीत पे आएगी तो। यहाँ पे देखो ढेर सारी बकरी हैं, अभी ये लोग को चरा के लेकर आए हैं, अभी पानी वानी पिलाएंगे, पानी वानी पिलाने के बाद में इनको बांध देंगे, आराम कर रही है। और ये है चावल निकालने की मशीन है, धान डालते हैं चावल निकलता है, यहाँ भूसी निकलती है, ये मशीन है उसका। गांव-गांव घूम घूम के जिसको ज़रूरत है वो बुला बुला के चावल निकलवाता है अपना इससे। देखो ऐसे यहाँ इसमें धान डालेंगे, इसमें धान डालेंगे, यहाँ पे चावल निकलता है। ये देखो ये चावल निकल रहा है, कितना साफ चावल है, देखो ऐसा चावल निकाला जाता है। ये इससे ट्रैक्टर से चलता है ये। हाँ भोजी बढ़िया है। हाँ चमेली का फूल का झाड़, फूल लगे हुए हैं। ये गांव के सब फंटर लौंडे हैं, देखो कहाँ जा रहे, किसी के खेत में जा रहे गन्ना चोरी करने के लिए, देख लो सब फंटर लौंडे जा रहे हैं। हाँ ऐसे किसी के खेत में जाके मत तोड़ना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम लोग को। चाचा भी हम लोग के साथ ही जा रहे हैं, पर वीडियो मैं तो दूर से देख के भाग लूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं दूर से देख के भाग लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दिखाओ गन, दिखाओ दिखाओ, ये लौंडे दिखाओ, खतरनाक लौंडा है एकदम, ये बंदूक लेके चल रहा है। अभी से बंदूक लेके चल रहा है लौंडा, ये तो इनको दिखाओ। किसने मारा तेरे को? मारा इसने? भैया दोनों खूब लड़ रहे थे दोनों। अरे देखो कहाँ रख रहा है लौंडा, अभी से खतरनाक है। सही है चमन जाबो। तो हे गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा रौचा, और इसी घूमने के लिए हमारे साथ है यार मोहम्मद भाई, और आज की मेरी टिकट हो चुकी है, आज की टिकट हो चुकी है हमारी, रात को हमारी 12:30-1 बजे की ट्रेन है, हम जा रहे हैं मुंबई रिटर्न अभी।
क्योंकि जाना नहीं था इतना जल्दी, लेकिन थोड़ा काम है करके जाना पड़ रहा है। अभी एक छोटे भाई की शादी है, अभी 6 तारीख को उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, थोड़ा काम इमरजेंसी, इसलिए जाना जरूरी है। ये दुनिया तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों की हो गई टिकट, अभी हम लोगों की रात की 12 बजे की ट्रेन है, अभी हम लोग यहाँ 12:30, हाँ अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, 9 बजे तक के निकल जाएंगे। तो है ना अम्मी, हाँ सलाम वालेकुम। हम लोग की रात की ट्रेन की टिकट है, हम निकल जाएंगे आज। हाँ निकल जाएंगे, रुकने का तो था बट लेकिन थोड़ा काम के मसले के वजह से, काम की जगह से बहुत, हाँ अब्बा का भी काम है, फिर मेरा भी एग्जाम था, ऐसा हो जाएगा अगर रुक गए ना, फिर टिकट बहुत मुश्किल से मिली है, मिलेगी फिर उसके बाद नहीं मिली तो फंस जाएगी इधर पे, फिर एग्जाम छूट जाएगा, है ना चाचा। चाचा का देखो कितनी ठंडी लगी हुई, तबीयत खराब ना है, बहुत ज्यादा ठंडी, इधर इंसान बिना मोजे के घूम ही नहीं सकता। हमारे गांव में एक और शादी है, वो शादी हमको छोड़ के जाना है, काम की जगह से बहुत, 6 तारीख को एक चाचा की शादी है, आदमी हमारा बीमार है, खांसी आ रही है, खुटर खुटर कर रहा है, घर में सबको है, सभी बीमार है, कुछ ना कुछ सर्दी ठंडी बुखार ऐसे कुछ ना कुछ है। और 6 तारीख को एक और एक चाचा की शादी थी मेरे, लेकिन हम लोग नहीं रुक पाए, तो बट कोई बात नहीं, अभी शफीक भाई का व्लॉग आएगा, हम लोग व्लॉग में देख लेंगे, व्लॉग में अब तक के खुद व्लॉग बना के एंजॉय करते थे, अब व्लॉग देख के हम लोग एंजॉय करेंगे, है ना अम्मी, है ना सरुल। ये लोग मेरी बुआ है, ये लोग मेरी ही एज के, बट इन लोग मेरे रिश्ते में मेरी बुआ लगते, ये भी और ये भी मेरी बुआ लगते, बताओ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, है ना, तो कैसे हैं आप सब, अच्छे हैं? हाँ सबका तबीयत खराब हो गया, का हाल चाल है, कौन कौन अम्मा का बतवाओ, नानी उनसे भगवान चाहते हैं, बहुत नानी। तो हे गाइस, आज का ब्लॉग पूरी फैमिली के साथ एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं, तो आज का ब्लॉग सब पूरी फैमिली के साथ एंड कर रहे हैं, तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेगा।